राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर 24 अप्रैल को जम्मू संभाग के सांबा जिला के पल्ली गांव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने जा रहे राष्ट्रीय पंचायती सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए केंद्र प्रदेश सरकार जुट गई है। प्रधानमंत्री पल्ली गांव से वर्चुअल देश के विभिन्न राज्यों की 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे। आतंकियों ने अन्य राज्यों के लोगों को निशाना बनाने की साजिश को जारी रखते हुए वीरवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पठानकोट के एक ट्रक चालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो आतंकी घटना में दूसरे राज्य के 4 लोगों अवैध कश्मीरी हिंदू को निशाना बना चुके हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मंगूचक इलाके में बीएसएफ ने एक संदिग्ध को वीरवार को पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक उसकी संदिग्ध हलचल को देखते हुए पूछताछ भी की गई। डीएसपी गारू राम ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद सिराज के रूप में बताया है। पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस व्यक्ति से लगातार पूछताछ कर रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अत्यात्मुला इलाके में वीरवार को भीषण आग जंगलों में लग गई। अगर बात करें तो इस आग ने एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और जिसे माना जा रहा है कि यहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने के अनुसार आग तेजी से फैल रही थी और आसपास के अगर निवासियों की बात की जाए तो उन्हें भय था कि आग उनके घरों तक ना पहुंच पाए। अब सरकारी अस्पताल में लाखों रुपए का वेतन पाने वाले चिकित्सा कर्मी अब ड्यूटी के प्रति सुस्ती या गैर रवैया दिखाते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। डॉक्टर एवं अन्य चिकित्सा स्टाफ की सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार सीधे निगरानी करेगी। मेरा अस्पताल नामक एक पोर्टल के माध्यम से ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों का डेटा लिया जा रहा है। इससे उनका नाम और मोबाइल नंबर लिया जा रहा है और इसके बाद केंद्र स्तर से सीधे मरीज से मोबाइल, व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से संवाद करके अस्पताल से मिली चिकित्सा सुविधा पर फीडबैक लिया जाएगा। आज आयुष मंत्रालय की तरफ से बनिहाल के लोगों के बीच में निशुल्क दवाइयां बांटी गई। डॉक्टर बशीर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज हमने बनिहाल के मुख्य बाजार में चिकित्सा शिविर लगाया और लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अगर बात करें तो भारतीय सेना की तरफ से इस शिविर में पूर्ण रूप से समर्थन किया गया। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1109 नए मामले सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों में नए संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है लेकिन शुक्रवार को ये फिर 1000 के पार पहुँच गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में मिले 1109 नए मामलों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ से ऊपर हो गई है। इस दौरान 43 और लोगों ने महामारी को आगे दम तोड़ दिया। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार और पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण करवा चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। आज सुबह एक ट्वीट कर केंद्र सरकार की इस उपलब्धि के बारे में बताया है। पीएम ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक कहा है।